ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में मिलावटी दूध का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण दुग्ध उत्पादक किसानों को दूध के दाम सही नहीं मिल रहे हैं और ऐसे लोगों की आर्थिक दशा कमजोर होती जा रही है, जिससे किसान अपने पशुओं को बाहर छोड़ने पर मजबूर हैं। इस बात का खुलासा भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य मोहन सिंह अहलूवालिया ने हिमाचल के गौशालाओं और विभिन्न दुग्ध उत्पादकों संगठनों के लोगों से मिलने के बाद किया। देश में दूध में मिलावट का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण दूध उत्पादक किसानों को दूध के दाम सही नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसे लोगों की आर्थिक दशा कमजोर होती जा रही है, जिससे किसान अपने पशुओं को बाहर छोड़ने पर मजबूर हैं। इस बात का खुलासा भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य मोहन सिंह अहलूवालिया ने हिमाचल के गौशालाओं और विभिन्न दुग्ध उत्पादक संगठनों के लोगों से मिलने के बाद कहे। उन्होंने बताया कि देश में 15 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 65 करोड़ लीटर दूध प्रयोग में लाया जा रहा है। इससे साफ है कि मिलावट का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज से 20 वर्ष पहले पशुपालकों को धनवान की श्रेणी में माना जाता था, लेकिन अब दूध उत्पादकों को गरीबों की श्रेणी में समझने की धारणा बन गई है। इसलिए जीव जंतु कल्याण बोर्ड प्रयास करेगा कि दो राष्ट्रीय पर्वों पर संबंधित जिलाओं के जिलाधीश दूध उत्पादकों और गौसंदों से जुड़े लोगों को सम्मानित करें। MS अहलूवालिया ने बताया कि बोर्ड की ओर से गौशालाओं का पंजीकरण किया जा रहा है ताकि सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद उन्हें मिल सके। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को दूध के दाम सही नहीं मिल रहे हैं, उनकी दशा में काम किया जाएगा तथा उन्हें दूध का सही दाम दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूध उत्पादकों का मनोबल बना रहे, इसलिए उपभोक्ता दुग्ध उत्पादकों से दूध लें और उन्हें सम्मानजनक पैसे भी दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्वों पर जिला स्तर पर दूध उत्पादकों और गौशाला संचालकों को सम्मानित करने की व्यवस्था भी की जा रही है। व्यापारियों को ले रहे हैं, इसलिए हमको निश्चित तौर पर जहां दूध उत्पादकों को बढ़ावा देना है, सम्मान देना, वहीं पर मैं कंज्यूमर से खास तौर पर अपील करूंगा कि वो उस जगह से दूध खरीदे, उस जगह पर जाए जहां पर गाय और भैंस उसे देखने को मिले, उनका दूध खरीदे और सम्मानित भाव के साथ दूध का पैसा उस दूध उत्पादक को दे। धन्यवाद। और उन गौशालाओं के विधिवत रजिस्ट्रेशन हो, सरकार उनकी मदद कर सके और हिमाचल प्रदेश में किसानों को, खास तौर पर दूध उत्पादकों को, पशुपालकों को उस दूध की कीमत मिले, इस पर काम अब हम लोग करेंगे। जिस तरह से मांग में दूध ज्यादा,